And I'm Carol Shahzad. Welcome to our program, Followers of Christ. तो इस प्रोग्राम में हम सीखेंगे कि हम फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट कैसे बन सकते हैं। हम फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट दुआ करके और खुदा का पाक कलाम पढ़कर बन सकते हैं। कैरल, क्या आपको पता है कि अभी कौन सा सीजन चल रहा है? Yes, अभी एडवेंट सीजन चल रहा है। तो यस फ्रेंड्स, जैसा कि कैरल ने बताया कि अभी एडवेंट सीजन चल रहा है, तो आज के एपिसोड में हम एडवेंट सीजन के बारे में सीखेंगे। तो कैरल, आप मुझे बताएं कि एडवेंट सीजन क्या है? वर्ड एडवेंट एक लैटिन वर्ड एडवेंटस से निकला है, जिसका मतलब है अराइवल और कमिंग, और एडवेंट सीजन का मतलब है आमद के दिन। इन दिनों में हम खुदावंद यीशु मसीह की आमद की प्रिपरेशन करते हैं, आमद अव्वल और आमद सानी के लिए। आमद अव्वल यानी जब खुदावंद यीशु मसीह 2023 साल पहले इस दुनिया में इंसान बनकर आए, और आमद सानी यानी जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के आखिर में कयामत के दिन आएंगे और हमारा इंसाफ करेंगे। एबनर, अब आप हमें ये बताएं कि एडवेंट सीजन स्टार्ट कब होता है? एडवेंट सीजन एवरी ईयर क्रिसमस से 4 संडेज पहले स्टार्ट होता है, और एडवेंट के फर्स्ट संडे से कैथलिक कलीसिया न्यू लिटर्जिकल ईयर स्टार्ट करती है। इस एडवेंट सीजन में हम लोग अपने घरों और चर्चेस को रीत से डेकोरेट करते हैं। रीत यीशु मसीह की अवधि बादशाहत को जाहिर करती है। रीत पर 5 कैंडल्स होती हैं, 3 पर्पल, 1 पिंक और 1 वाइट कैंडल। एडवेंट के फर्स्ट संडे पर होप यानी उम्मीद की कैंडल को रोशन किया जाता है। ये कैंडल यीशु मसीह की दुनिया में आने की उम्मीद को जाहिर करती है, और ये पर्पल कलर की होती है। एडवेंट के सेकंड संडे पे हम पीस यानी अमन की कैंडल को रोशन करते हैं। ये कैंडल उस अमन को जाहिर करती है जो खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में लाते हैं। ये कैंडल भी पर्पल कलर की होती है। एडवेंट के थर्ड संडे हम जॉय यानी खुशी की कैंडल को रोशन करते हैं। ये कैंडल यीशु मसीह की होने वाली पैदाइश की खुशी को जाहिर करती है, और ये कैंडल पिंक कलर की होती है। एडवेंट के फोर्थ संडे पे हम लव यानी प्यार की कैंडल को रोशन करते हैं। ये कैंडल खुदा के उस प्यार को जाहिर करती है जो उसने इस दुनिया से किया, कि उसने अपना प्यारा बेटा भी बख्श दिया, और ये कैंडल भी पर्पल कलर की होती है। एडवेंट रीथ की फिफ्थ कैंडल वाइट कलर की होती है, और ये कैंडल क्रिसमस विजिल मास पर रोशन की जाती है। इस कैंडल को क्राइस्ट कैंडल भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हमने एडवेंट सीजन से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें सीखी। अब लास्ट में हम ये सीखेंगे कि हमें एडवेंट सीजन में क्या करना चाहिए। कैथलिक कलीसिया हमें ये सिखाती है कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपनी जिस्मानी तैयारी से ज़्यादा अपनी रूहानी तैयारी पर फोकस करें। इसलिए हमें चाहिए कि हम रोज़ाना दुआ करें, खुदा का पाक कलाम पढ़ें और अपने गुनाहों का एतराफ करें। इसके साथ साथ हमें ये भी चाहिए कि हम दूसरों के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आएँ। अगर कोई हमसे नाराज़ है तो उसे सुलह में पहल करें और ज़रूरतमंदों की मदद करें। अगर हम ये सब कुछ करेंगे तो जब यीशु मसीह आएंगे तो वो हमें जागता हुआ और तैयार पाएंगे। सो फ्रेंड्स, वी होप कि आपको आज के एपिसोड में बहुत मज़ा आया होगा और आपने इस एपिसोड से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।